गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज अ संडे मॉर्निंग एंड आई एम कुश पांडे. आपका स्वागत है फिर से द हिंदू करंट अफेयर शो में. और आज इस संडे के दिन लेट्स मेक इट अ फन लर्निंग, लेट्स मेक इट अ संडे इन विच वी लर्न, वी हैव फन एंड इन द मीन टाइम वी ऑल्सो मास्टर द करंट अफेयर्स. सो बॉयज एंड गर्ल्स, फैमिली मेम्बर्स, अ वार्म वेलकम टू द शो दैट इज द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू. आप सबका यहाँ पर स्वागत है. और मेरे बोलने से पहले ही अगर आप शो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा. तो चलो शुरू करते हैं. और आज हमारे पास एक नहीं बल्कि दो पेपर्स हैं. टुडे वी हैव नॉट ओनली अ सिंगल पेपर बट वी हैव टू पेपर्स गाइज. वन इज द एडिशन वन एंड देन वी हैव द एडिशन टू ऑफ द संडे न्यूज़पेपर दैट इज द हिंदू. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू नाउ जस्ट गो थ्रू द पेपर्स. एंड ये रहे आपके सामने द पार्ट वन एंड द पार्ट टू ऑफ द संडे हिंदू. पार्ट वन पे आप देख सकते हैं गाइज, वी हैव पेज हेडलाइंस ऑन पेज वन, पेज सिक्स, पेज एट वी हैव टू हेडलाइंस, देन पेज नंबर नाइन, देन पेज नंबर 11, 18 एंड 20. सो इन द एडिशन वन वी हैव हेडलाइंस दैट इज 1, 6, 8 वी हैव टू हेडलाइंस, 9, 11, 18 एंड 20. एंड ऑन पेज नंबर एंड सेक्शन टू दैट इज दिस पर्टिकुलर पार्ट वी हैव पेज 1, 4, 9 टू हेडलाइंस एंड 11. सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग ऑफ अ लेंदी शो गाइज बिकॉज वी हैव टू पेपर्स. पर मुझे भरोसा है आप सबको कि आप सब मुझे यहाँ पर मेरा साथ देंगे इन द नेक्स्ट 59 to 60 minutes. तो लेट्स स्टार्ट गाइज एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन बिफोर यू लाइक द वीडियो. एंड अब शुरू करते हैं इस डिस्कशन गाइज. और आपको दिखा सबसे पहले द इमेज ऑफ आर फर्स्ट हेडलाइन और वो ये रही आपके सामने. बैंक, ATM एंड अ टॉयलेट. Now this is not a prem katha between a bank and an ATM and a toilet, but the government of India has said to all its public sector banks, to all its insurance companies, ki please you should also open a toilet as and wherever you have a bank or you have that bank's ATM. So ye ek pehli headline hai guys, thodi si aaj funny si headline hai, but I hope आप इस हेडलाइन को समझेंगे बिकॉज दिस हेडलाइन इज ऑन पेज नंबर वन गाइस. एक बार स्क्रीन पर हम इस हेडलाइन को दिखाएंगे. मेक अ स्वच्छ इन्वेस्टमेंट, PSUs हैव बीन टोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये हमारी आज की पहली हेडलाइन है. तो इसको स्क्रीन पर दिखा दे गाइस, ये रहा आपके सामने. मेक अ स्वच्छ इन्वेस्टमेंट, PSU banks have been told. Finance Ministry asks banks, insurers to build public toilets, send quarterly reports. तो मैं एक बार यहाँ पर आपके लिए पढ़ दूँ. For public sector undertaking, bankers cleaning up the sea of red on their books thanks to bad loans will no longer be enough. Ab unhein na sirf bad loans khatam karna hai balki they have to ensure that they build a public toilet in and around branches and their ATMs because that is a part of Prime Minister's Swachh Bharat Abhiyan. To ye aap screen pe dekh sakte hain guys, ek nayi pehel aayi hai by the central government because they have a target, they have to achieve ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस फॉर एवरी स्टेट बाय अक्टूबर 2019. उस टारगेट को मीट करने के लिए उन्होंने अब हर कोई कोशिश कर रहा है. दे हैव नाउ सेड टू ऑल द बैंकर्स, टू ऑल द MD CEOs ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड ऑल्सो टू द इंश्योरेंस कंपनीज कि भाई आप भी अब शौचालय बनाओ. सोच से शौचालय हर एक ATM या हर एक बैंक के बगल में बनना चाहिए. दैट इज आर फर्स्ट हेडलाइन. टुडे बीइंग अ संडे इट इज़ अ रादर अम्यूजिंग न्यूज, इसीलिए मैंने इस बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ को सबसे पहले यहाँ पिकअप किया है गाइज. तो लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइज और आपको दिखा दें इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स, जहाँ पर आप जान पाओगे नॉट ओनली द फन स्टफ कि भैया ऐसा हुआ है पहली बार कि बैंक को कहा गया है आप बनाओ टॉयलेट्स. Apart from that, you should also know about this grand mission that is the Swachh Bharat mission. Ye mission kya hai? What is its cut-off date? When was it set up? What is its aim? Ye sare cheezein exam mein aa sakti hain because this mission is a ubiquitous mission. Ye mission pichle kai saalon se lagataar news mein hai. To ek baar screen pe aapko dikha dein. Ye raha aapke saamne guys. The center has said to all the public sector banks and to all the public sector insurance companies to build public toilets in and around their branches. Now this is under the Swachh Bharat mission and this particular target will be assessed every quarter. Har ek timahi par yahan par ye target ko kiya jayega. Bilkul ye sirf public sector banks ke liye hai. Agar main yahan par baat kare Swachh Bharat mission ki, Swachh Bharat mission has been started on 2nd October 2014. Basically iska jo tagline hai wo hai ek kadam swachhta ki or ya fir one step towards cleanliness, that is the tagline.
Now the status or the target of this mission is कि open defecation free, खुले में शौच को बंद करना by 2 October 2019. अभी मैं ऑफिस आ रहा था तो मेरे को कोई दो तीन लोग दिखे अपने नेचर्स कॉल करते हुए रोड पे ही, तो वो लोग ना करें, हम सोचेंगे नहीं तो शौचालय बनेंगे नहीं. सिमिलरली गवर्नमेंट हैज लॉन्च वेरियस अदर कैंपेन्स अंडर दिस मिशन. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लॉन्च किया था सितंबर में द प्रीवियस ईयर स्वच्छ ही सेवा कैंपेन. दे ऑल्सो लॉन्च स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेज, जहाँ पर जो हमारी फेमस प्लेसेज हैं उनको साफ करने की बात थी. गंगोत्री है, यमुनोत्री है, माँ कालेश्वर टेम्पल, चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट. सो बहुत कुछ कर रही है सरकार अपार्ट फ्रॉम दिस मिशन. इस मिशन के अंदर ही इट हैज़ मेड एम्बेसडर्स, इट हैज़ मेड आइकॉनिक प्लेसेज एज स्वच्छ प्लेसेज, इट हैज़ मेड द स्टेट टू फॉलो दिस मिशन. तो बेसिकली इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रैंड मिशन गाइस. सो अंडरस्टैंड थ्री क्वेश्चंस. नंबर वन, व्हेन वॉज दिस मिशन सेटअप? Number two, what is the tagline? And number three, what is the cutoff date for the mission, that is 2 October 2019. चलो तो आगे बढ़ते हैं और वापस चलते हैं गाइस, और आपको दिखाते हैं हमारी सेकेंड इमेज. और ये रही आपके सामने हमारी द इमेज ऑफ आर सेकेंड हेडलाइन, एंड इसे आप देख सकते हैं. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, इंग्लिश फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. वेल दिस इंस्टीट्यूट गाइज इज इन पुणे. Now, one such institute will be opened now in Arunachal Pradesh as well. Aisa kehna hai by the Minister of Home Affairs, by the Minister of State for Home Affairs, Mr. Manoj Sinha. Unka ye kehna hai ki aisa hi ek aapka ab institute khulega in the state of Arunachal. To ye headline aapke saamne screen pe aa jayegi. India's second FDII to be set up in the state of Arunachal. Main ek baar padh dunga aapke liye. Arunachal Pradesh would get its first film and television institute set up by the union government as part of the tapping of the potential of the North Asian region, as said by, maaf kijiyega, unka naam hai Jitendra Singh, jinhone iska announcement kiya, not Manoj Sinha. To main fir se repeat karunga aapke liye guys ki FDII, that was institute in Pune, that institute will now have a second branch. And that branch will be in the state of Arunachal. This has been said by the Union Minister, Mr. Jitendra Singh. यहाँ पर बात करें तो इससे पहले जो इंस्टीट्यूट था that was set up in Pune, जो कि आता है under the Ministry of Information Broadcasting. अब उसी particular इंस्टीट्यूट का एक second branch खुलेगा and that would be in Arunachal. यहाँ पर third point ये भी है guys कि the chairmanship of the FDII has been in news, it has been in controversy, because earlier it was Gajendra Chauhan, then there was a big controversy because he was not fit for the job as per various students of that same institute. अब जो वहाँ के chairman हैं, जो FDII पुणे के chairman हैं, उनका नाम है Mr. Anupam Kher. तो ये एक इंपॉर्टेंट हेडलाइन है गाइस. अंडरस्टैंड, इंडिया सेकेंड FDII विल बी सेट अप इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल. लेट्स कम बैक टू स्क्रीन गाइस. सो थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहां बनेगा अरुणाचल में नंबर वन, नंबर टू क्या बनेगा FDII, नंबर थ्री पहले कहां था, इट वाज इन पुणे जहां पर FDII है. नाउ दिखा दें आपको हम इसका फुल फॉर्म एंड ऑल्सो द हिंदू शॉर्ट्स फॉर द करंट फैक्ट्स एंड द स्टैटिक अवेयरनेस फैक्ट्स. FDII स्टैंड फॉर फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. That was set up in 1960. The chairman is Anupam Kher and ये पुणे में है. इसका second branch will come up in Arunachal, and ये यही हमारी आज की headline है. We've discussed about Arunachal in detail in the previous lectures. तो सवाल आपसे बहुत सारे बनेंगे अरुणाचल के बारे में, because Arunachal is very famous, is very peculiar. Number one, that it is the second state after Nagaland which has English as its only official language. Nagaland, Arunachal ही है पूरे देश भर में जहाँ पर जो एक ही language official है, that is English. Number one. Number two, after Sikkim, it has become the open defecation free state in the northeast. So ये second part है. Third part, Arunachal Pradesh के ऊपर China has made a claim. They have made a claim that Arunachal was their very own part. तो ये सारे चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान भी देना है. सवाल मेरा आपसे यहाँ पर भी है, बिकॉज वी डिस्कस इन डिटेल इन ऑन सैटरडे. अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है एंड हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो ये दो तीन सवाल आपके यहाँ पर. एक सवाल और आ रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द पोर्टफोलियो ऑफ मिस्टर जितेंद्र सिंह. कौन बताएगा मुझे कमेंट्स में कि क्या पोर्टफोलियो है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह का. देखते हैं उसका आंसर कौन कौन यहाँ पर देता है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. अब आगे बढ़ते हैं गाइस, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट इमेज, एंड ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज. लेट्स फोकस ऑन हेल्थ, बिकॉज वी हैव अ हेडलाइन दैट इज फोकसिंग ऑन हेल्थ.
दैट इज फोकसिंग ऑन एंटी माइक्रोबियल डिजीज. एक ऐसा ही इवेंट आया है केरला के अंदर जहां पर दे आर ट्राइंग टू टेक एक्शन टूवर्ड्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ये यहां पर चीज आ रही है. वापस स्क्रीन पे पर आ जाओ. बात समझना. इन आर बॉडी वी हैव जर्म्स. फॉर मिनिमाइजिंग डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द जर्म्स मेनी अ टाइम्स वी टेक एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोब्स. हम कई बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं ताकि जिससे कि जो जर्म्स हैं जो बैक्टीरिया है वो मर जाए. नाउ समटाइम्स इट हैपन्स दैट दोज जर्म्स दोज बैक्टीरिया बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट. मतलब कितनी भी दवाई खा लो दैट पर्टिकुलर जर्म दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया दैट पर्टिकुलर डिजीज विल नॉट गो. Now this particular condition has become a big problem in Kerala. I'll again repeat in Hindi. कई बार हमें जुकाम होता है, खांसी होती है, कुछ भी होता है, and we take antibiotics for several purposes. For example, many a times this works, but sometimes the bacteria or the germs they regain or they gain resistance towards these antibiotics. वो इन antibiotics खिलाफ एक जंग लड़ते हैं. This is a big problem because of this, the patient is unable to recover. Now, this antimicrobial or this antibiotic resistance has become a big problem in Kerala, and they are now setting up an action plan towards this particular menace. So, ek baar screen par dikha dein aapko. Kerala battles a new health risk with rising antimicrobial resistance in many sectors, state readies an action plan. तो यहां पर जो आज हमारा issue रहेगा इस Sunday, that would be discussing about what is this particular thing that is antimicrobial resistance. क्योंकि ये एक बहुत बड़ी problem हुआ है कहां पर in the state of Kerala. वापस एक बार स्क्रीन पे आते हैं गाइस. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन. आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ. आई एम जस्ट सेइंग दैट वी हैव जर्म्स दैट आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स टुवर्ड्स एंटी माइक्रोब्स. तो उसकी बात हम यहाँ पर आपके सामने अब करेंगे. तो एक बार जरा इसका पीपीटी दिखा दो जहाँ पर कि मैंने इसके बारे में कुछ दिया हुआ है. सो लेट्स हैव द पीपीटी ऑन द बोर्ड गाइस. ये रहा हाउ एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैपन्स. हाउ एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैपन्स. नंबर वन, लॉट ऑफ जर्म्स. A few are drug resistant. Antibiotics kill bacteria causing the illness as well as good bacteria protecting the body from infection. Now the drug resistant bacteria are now allowed to grow and take over. Some bacteria give their drug pass to the other bacteria causing more problems. Basically आप स्क्रीन में देख सकते हैं guys कि एक antibiotic resistance या फिर जो एक antibiotic antimicrobial resistance है वो यहाँ पर कैसे आपका बढ़ता है. तो ये चार step हैं जहाँ पर with the usage of antibiotics it leads to a big problem जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि step 1, step 2, step 3 and step 4 ऐसे आपका बढ़ता है एंटीबायोटिक्स. संदीप यादव भाई मैं हिंदी में भी उल्लेख कर रहा हूँ. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गाइज, स्क्रीन पर देख रहे हो भाई कि जर्म्स जो होते हैं उनको मारने के लिए बैक्टीरिया एंटीबायोटिक यूज़ होती है जिससे कि जो गुड बैक्टीरिया है और जो बैड बैक्टीरिया वो भी मर जाते हैं. दी अदर बैक्टीरिया विच हैज़ नो इफेक्ट ऑफ ड्रग्स दे ग्रो एंड दे गिव देयर पार्स टू द अदर जर्म्स इज वेल विच लीड्स टू अ बिग प्रॉब्लम जो कि आपके सामने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं. अब दिखा दें नेक्स्ट इमेज गाइस जहां पर कि आप देखोगे कि बेसिकली यहां पर क्या है, कॉजेज क्या है. ओवर प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट्स नॉट फिनिशिंग देयर ट्रीटमेंट, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक एंड फिश फार्मिंग, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, लैक ऑफ हाइजीन एंड पुअर सैनिटेशन, या फिर लैक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स बीइंग डेवलप्ड. तो ये छह आपके रीजंस हैं ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो कि आपके सामने यहां पर दिया हुआ है. अगर हम यहां पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि एएमआर और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वायरसेस एंड सम पैरासाइट्स टू स्टॉप एन एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट इट. ये ऐसी कंडीशन है जहां पर कि एक बैक्टीरिया हो एक वायरस हो वो एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट को कम करता है या रोकता है जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं उनका वो इफेक्ट यहां पर नहीं होता है. सो लेट्स कम बैक टू स्क्रीन गाइस. दिस इज अ प्रिटी डैम सीरियस इश्यू इन केरला एंड आई एम नॉट मेकिंग अ फन गाइस. मैं आप सबसे कहूंगा कि प्लीज बेथ डेली, रोज नहाओ, अच्छा खाओ, यूज अ हैंकी व्हेन एवर यू हैव एन इन्फेक्शन. खांसी है तब भी हैंकी का यूज करो और कपड़े नए पहनो.
या धुले हुए पहनो, दैट इज द बॉटम लाइन गाइज। इन चीज़ों को आप समझो, बिकॉज इट इज़ अ प्रिटी प्रिटी टाइम इशू, एंड ऐसा कई लोग नहीं करते हैं पर आप सब करो। सो दैट इज ऑल अबाउट एंटी माइक्रोब रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये हेडलाइन अब समझ में आ गई होगी। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन हु इज वॉचिंग आर वीडियो गाइज। दिस इज द हेडलाइन फ्रॉम केरला। अगर समझ में आ गया है तो एक बार आप लाइक कर दो शो को, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार लिख दो कमेंट्स में, येस सर इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। अब हम आगे, यहाँ सवाल बनेगा अबाउट AMR कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ मेड एन एक्शन प्लान टूवर्ड्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। द आंसर वुड बी केरला, नंबर वन। नंबर टू सवाल बनेगा कि AMR इज रिलेटेड टू बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड पैरासाइट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अब हमारी नेक्स्ट इमेज गाइस। एंड ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज। जो इमेज आपके सामने है गाइस, दिस इमेज इज ऑफ अ वेरी फेमस फेस्टिवल इन तेलंगाना। जो अब इमेज आप स्क्रीन में देख रहे हो गाइस, दिस इमेज इज ऑफ अ वेरी फेमस फेस्टिवल इन तेलंगाना। And in fact, this particular festival is the largest tribal festival in Asia. Asia का ये सबसे बड़ा tribal festival है, इसीलिए ये news में भी है। इसी न्यूज़ में इसलिए भी है because this tribal festival has now been given the status of a national festival. तो आपके सामने देख सकते हैं, मेदा राम जतारा to get national tag, the event in Telangana is said to be the biggest tribal festival in Asia. तो यहाँ पर इस festival का नाम है guys, the name is Medaram Jatara. It has been given the status of a national festival. In fact, it is the biggest tribal festival in all of Asia. Now, first in English guys, एक बार पढ़ दूँगा आपके लिए। The central government is likely to declare Medaram's Samkara Saraka और सरलम्मा जतारा अ नेशनल फेस्टिवल दिस ईयर। आई अगेन पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन, माई फ्रेंड्स फ्रॉम तेलंगाना दे विल करेक्ट मी, बट आई एम ट्राइंग एंड वन डे आई विल बी द बेस्ट इन प्रोनाउंसिंग स्पेशली दीज नेम्स गाइज, बिकॉज आई वॉन्ट टू एंड आई लव द लैंग्वेजेस डाउन साउथ, एंड मैं चाहता हूँ सम डे सम वन कैन हेल्प मी आउट रिगार्डिंग ऑल दोज लैंग्वेजेस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइकली टू डिक्लेयर मेदाराम समकरा सरक्का और सरलम्मा जतारा एज जातरा इज एज अ नेशनल फेस्टिवल, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिस फेस्टिवल ऑनर्स द गॉडेस समक्का एंड हर डॉटर सरक्का। तो एक बार स्क्रीन पे आप देख सकते हैं गाइज कि फेस्टिवल का नाम है मेदाराम जतारा और मेदाराम सरक्का और सरलम्मा जतारा। नाउ दिस फेस्टिवल इज टू ऑनर द ट्विन गॉडेस समक्का एंड हर डॉटर सरक्का, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। नाउ दिस इज नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि किसी ट्राइबल फेस्टिवल को हमने यहाँ पर बनाया है नेशनल फेस्टिवल, बट इन 2015 वन सच फेस्टिवल दैट इज़ वनज वॉज ऑल्सो मेड इन टू अ नेशनल फेस्टिवल। तो देखिए दो चीज़ यहाँ पर हैं, पहला कि इस साल दिस वेरी ईयर वी हैव अ न्यू नेशनल फेस्टिवल दैट इज़ मेदाराम जातरा और मेदाराम जतारा, एंड सेकेंड इन 2015 वी हैव अ फेस्टिवल कॉल्ड वनज विच वॉज मेड अ ट्राइबल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल इन टू अ नेशनल फेस्टिवल, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, आप सभी पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड देवर टू ट्राइबल वुमेन। उनका नाम था, एक का नाम था सरक्का, एक का नाम था आपका समक्का। दोज टू वुमेन लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ककतिया रूलर्स एंड बिकॉज ऑफ देयर कर्स द ककतिया किंगडम वॉज डिस्ट्रॉयड। तो बेसिकली उनकी याद में यहाँ पर ये फेस्टिवल बनाया गया है। सो फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट का, लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन। द नेम ऑफ द फेस्टिवल, एंड सब लोग कह रहे हैं सर कि यू आर प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, आई अग्री, वापस स्क्रीन पे आ जाओ भाई, आई अग्री माफी बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो मेदाराम जातरा हैज़ बीन मेड इन टू अ नेशनल फेस्टिवल। दिस फेस्टिवल इज फ्रॉम विच स्टेट, किस स्टेट से है, फ्रॉम तेलंगाना, नंबर टू। नंबर थ्री, दिस इज इन द ऑनर ऑफ ट्विन गॉडेस दैट इज समक्का एंड सरक्का, नंबर थ्री। Number four, one such festival was made into a national festival, that is Vanaj, that was a music festival, जिसको कि 2015 में बनाया गया। Fourth point, according to a legend, these were two tribal women who led a revolt against the Kakatiya rulers. उनको उनके कर से जो काकतिया किंगडम है वो डिस्ट्रॉय हुआ। तो ये हमारी हेडलाइन है। अब स्क्रीन पे आपको दिखा दें द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन। आई ट्राइड माई बेस्ट फॉर द प्रोनाउंसिएशन गाइज, प्लीज़ हेल्प मी इन दैट।
गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड मेदाराम्स समक्का जरक्का और सरलम्मा जतारा जातरा एज अ नेशनल फेस्टिवल. नाउ दिस हैज बीन सेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जिसके की मिनिस्टर हैं मिस्टर जुआल ओरम. यहाँ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट विल रेज 2 crore rupees फॉर दिस इवेंट इन तेलंगाना. इट ऑनर्स समक्का एंड सरक्का. इन 2015 वन अदर फेस्टिवल वनच वॉज ऑल्सो मेड इन टू नेशनल फेस्टिवल. अगर बात करें समक्का सरक्का की तो इट इज़ होस्टेड बाय द कोया ट्राइब ऑफ तेलंगाना, जो कि वहाँ की एक बहुत ही बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है एशिया का. और फिर से लेजेंड वही है कि दो ट्राइबल वुमेन थी जिन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट द काकतिया रूलर्स एंड देयर कर्स लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द काकतिया किंगडम. अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नाउ द इमेज ऑफ आर नेक्स्ट हेडलाइन, और वो ये रहा आपके सामने. एंड द इमेज ये रही आपके सामने गाइज, एंड दिस इज द इमेज. Well, his name was Baldev Raj. He was an eminent scientist. He was, before his death, the director of the National Institute of Advanced Studies. So, ye inka naam Baldev Raj hai. और ये जो हैं ये डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के थे, और इनका देहांत हो गया है 71 इयर्स की एज में. ही वॉज ऑल्सो रिसिपियंट ऑफ द पद्मश्री. सो फर्स्ट इन इंग्लिश गाइज, हिज नेम इज़ बलदेव राज. हिज नेम वॉज बलदेव राज. ही वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट. इन फैक्ट ही वॉज डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़. ही हैज़ पास्ड अवे. अब हिंदी में, 71 वर्षीय बलदेव राज का देहांत हो गया है. ये डायरेक्टर थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के, और ये पद्मश्री के खिताब से भी नवाजे गए हैं. अब हम दिखा दें इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि अब आपके स्क्रीन पर आ जाएगा. एंड दिस इज द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स. फर्स्ट इन इंग्लिश, बलदेव राज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज हैज पास्ड अवे. ही वॉज अ पद्मश्री अवॉर्डी. नाउ NIAS और कॉल्ड एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज बेसिकली अ सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया, इंगेज्ड इन इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इन नेचुरल साइंसेज. नाउ दिस वॉज फाउंडेड बाय द ग्रेट जेआरडी टाटा, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988. हेडक्वार्टर्स हैं आपका बेंगलुरु में. तो भाई ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर कि मल्टी डिसिप्लिन में या फिर इंटरडिसिप्लिन में स्टडीज़ होती हैं. इसको सेटअप किया था जेआरडी टाटा ने कब, 1988 में, और ये बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स हो हैं. तो ये हमारी हेडलाइन है. आई होप दिस हेडलाइन इज़ क्रिस्टल क्लियर. अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो भाई एक बार लाइक कर दो शो को, अच्छा लगेगा मेरे को. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस. चलो अब आगे बढ़ते हैं और इनको आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट इमेज गाइज, और ये रहा आपके सामने द नेक्स्ट इमेज. सियांग रिवर. नाउ सियांग रिवर बेसिकली इज इन द स्टेट, बेसिकली इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा बिफोर एंटरिंग असम. सियांग रिवर न्यूज़ में है बिकॉज द वॉटर कलर हैज सडनली बिकम मच मोर डार्क. इट हैज़ द कलर हैज़ बिकम डार्क दैन बिफोर. तो दैट इज़ अ बिग वरी फॉर द इन अथॉरिटीज. दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ईदर इट इज़ बिकॉज ऑफ द चाइनीज कंस्ट्रक्शन और इट इज़ बिकॉज ऑफ नेचुरल पर्पसेज. आखिरकार सियांग रिवर काली कैसी पड़ गई. दैट इज़ आर नेक्स्ट हेडलाइन गाइस, एंड दैट इज़ ऑन पेज नंबर 11. और पेज नंबर 11 पर एक बार हम हेडलाइन को दिखा दें. एज पर द यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर किरण रिजिजू, the center is awaiting Siang report and then they'll decide ki whether what is the actual cause. Either it could be a natural cause ki black ho gayi, ya fir it is because of the construction of the China roads or the China tunnel. To ye aapke samne screen par aap dekh rahe hain guys. Union Minister of State for Home Mr. Rijiju has said that the union government will wait for the final report of the Central Water Commission. Only then it will decide ki isko China ne kaha hai ya fir it is a natural cause, jo ki aapke samne yahan par diya bhi hua hai. Agar yahan par baat kare, according to sources, ek baar zoom karna padega. According to sources, China is constructing a 1,000 kilometer tunnel connecting South Tibet एंड डेजर्ट तकली मकान इन द जिंगयांग प्रोविंस. इस वजह से भी ऐसा हो सकता है. साथ ही साथ दे हैव ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ 200 meter वाइड 13 kilometer हाई डैम एट द यारलुंग सांगपो टू डाइवर्ट द ब्रह्मपुत्रा. तो देखिए ये दो रीज़न भी यहाँ पर हो सकते हैं. और जूम कर पाए तो अच्छा रहेगा कि देखिए दो रीज़न है. पहला, ये मैन मेड रीज़न है, इसको अभी हमने हामी नहीं भरी है. नंबर वन कि चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग 1,000 kilometer टनल, 1,000 kilometer लंबा टनल बना रहा है जो कि साउथ तिब्बत को और डेजर्ट तकली मकान को कनेक्ट करेगा जो कि जिंगयांग प्रोविंस में है.
साथ ही साथ वो कंस्ट्रक्ट कर चुका है एक 200 मीटर वाइड 13 किलोमीटर हाई बिग डैम जो कि यारलुंग सैंगपो को डाइवर्ट करने के लिए है फ्रॉम ब्रह्मपुत्र। तो ये दो रीजन यहाँ पर हो सकते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉज। दिस रिवर गाइस इज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल। तो ये एक खबर आ रही है फ्रॉम द ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ अरुणाचल की, हो सकता है कि यहाँ पर ये आपका एक रीजन हो। लेट्स कम बैक गाइस एंड आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स। विकी पाटिल, येस दिस शोज पीडीएफ इज अपलोडेड एवरी डे इफ द शो हैपन्स ऑन आर टेलीग्राम चैनल। तो इस शो के बाद हम इसको अपलोड भी कर देंगे। अब दिखा दें आपको द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन जो कि ये रही। सेंटर इज वेटिंग फॉर अ फाइनल रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन ऑन द अनयूजुअल डार्कनिंग ऑफ द सियांग रिवर इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सियांग जो रिवर है वो एंटर करती है इंडिया तिब्बत से, जहाँ पर कि ये फ्लो करती है 1500 किलोमीटर तक एज सैंगपो, और जैसे ही असम में एंटर करती है इसी का नाम चेंज होता है और इसका नाम होता है आपका ब्रह्मपुत्रा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है 1000 किलोमीटर का एक टनल जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल होगा, वो भी इसका एक रीज़न यहाँ पर हो सकता है। तो आई होप ये हेडलाइन आप सबको क्लियर है। अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट्स में लिख दो येस सर इट इज़ सुपर से भी ऊपर, और अगर लाइक नहीं किया है तो आप इस शो को लाइक भी कर सकते हैं। सुमनदीप, द सियांग रिवर इज इन अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया भाई लोग? अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट्स में लिख दो येस सर इट इज़ प्रीटी क्लियर। दीपक दुबे, कल का पीडीएफ किया गया है आपको नहीं मिला तो हम क्या करें, इट हैज़ बीन डन ऑन आर टेलीग्राम चैनल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज गाइस। एंड ये रही आपके सामने आर नेक्स्ट इमेज, एंड दिस इज आर नेक्स्ट इमेज गाइस। फेडरर लॉर्ड्स हिंगिस इन्फ्लुएंस दैट इज ऑन पेज नंबर 18। तो सब लोग आ जाओ पेज नंबर 18 पे गाइस, बिकॉज दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन। देखते हैं कितने लोग को ये हेडलाइन पता है, बिकॉज फेडरर एंड हिज कंट्री स्विट्जरलैंड हैव वन द हॉपमैन कप। तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें, ये रहा आपके सामने फेडरर लॉर्ड्स हिंगिस इन्फ्लुएंस दैट इज ऑन पेज नंबर 18। स्विट्जरलैंड जो है उसने जीता है अपना थर्ड हॉपमैन कप बाय डिफीटिंग जर्मनी। तो यहाँ पर सवाल सिर्फ एक ही बनेगा, क्वेश्चन वुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन द हॉपमैन कप, एंड द आंसर वुड बी इट इज द कंट्री स्विट्जरलैंड, एंड उस कंट्री के ही आपके प्लेयर्स हैं फेडरर, बेलिंदा, देन ये प्लेयर्स भी उसी कंट्री के हैं, एंड दे हैव वन द हॉपमैन कप फॉर द थर्ड टाइम जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। सो रिमेंबर गाइस द हॉपमैन कप हैज़ बीन वन बाय स्विट्जरलैंड बाय डिफीटिंग जर्मनी, दिस इज देयर थर्ड टाइटल। चलो अब आगे आ जाएं और दिखाएं आपको नेक्स्ट इमेज गाइस, एंड ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज। ओके लेट्स शो यू द नेक्स्ट इमेज गाइस, एंड दिस इज आर नेक्स्ट इमेज। हसी बैक विद द सीएसके बैटिंग एज ए सीएसके बैटिंग कोच, एंड ये हमारी आज की लास्ट खबर है फ्रॉम आर फर्स्ट पेपर गाइज। ये रहा स्क्रीन पर, माइकल हसी बैक विद सीएसके एज अ बैटिंग कोच, ही विल गिव दम बैटिंग कंसल्टेंसी, एंड वो बैटिंग कोच बने हैं किसके, ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स। अगर यहाँ पर देख अगर हमें दिखाएं आपको, हसी इज इन फैक्ट द थर्ड हाइस्ट रन स्कोर फॉर सीएसके इन द आईपीएल विद 1768 रन, ओनली बिहाइंड सुरेश रैना एंड एमएस धोनी। तो ये आपके सामने दिया हुआ है गाइज कि रैना और धोनी के बाद ये थर्ड हाई रन गेटर हैं फॉर सीएसके, और शायद इसीलिए इनको बनाया गया है द बैटिंग कोच ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स विसल पोडू। चलो भाई, तो फर्स्ट हेडलाइन फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया, अब बारी है हमारे सेकंड पेपर की। तो एक बार वापस स्क्रीन पे आ जाएं, एंड समबडी कैन गेट मी ए वाटर तो अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर हमारी सेकेंड सेक्शन है गाइज, जहाँ पर पेज 149 पे दो हेडलाइंस हैं, एंड देन वी हैव पेज नंबर 11, इसकी बात हम आपके सामने करेंगे गाइज। सो वी हैव 149 टू हेडलाइंस, एंड देन वी हैव पेज नंबर 11। तो चलो दिखाते हैं आपको फर्स्ट हेडलाइन को गाइज, और ये रही आपके सामने इमेज, एंड दिस इज द इमेज गाइज, ये रही आपके सामने। नाउ दिस इज अ ज्योग्राफिकल व्यू ऑफ द हुगली रिवर, जहां पर इन अ हुगली रिवर वी हैव अ न्यू आइलैंड, दैट आइलैंड्स नेम इज द नयाचार और नायचार आइलैंड। जरा उसको मार्क कर दो, ये सेंटर में ही है आपके। सो दैट आइलैंड्स नेम इज द नयाचार और द नायचार आइलैंड। अप टिल 1990 नयाचार आइलैंड डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्रेस ऑफ लाइफ, अ सिंगल ट्रेस ऑफ क्रॉप्स, इट वॉज बेसिकली अ बैरन, एक बंजर जमीन थी आपकी जो जिसका नाम था द नयाचार आइलैंड।
ये जो आइलैंड है सडनली इट हैज नाउ वेरीड वराइटीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा, यहां पर अब लाइफ देखी जा रही है। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गाइस कि नया चार आइलैंड है एंड दिस आइलैंड हैज नाउ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पर फूल पत्ती और जानवर भी पाए जा रहे हैं। एंड ये हमारी संडे स्पेशल है द हिंदू का, तो लेट्स डिस्कस द संडे स्पेशल ऑफ द हिंदू एंड दिस इज द आइलैंड गाइस, दैट इज द नया चार आइलैंड इन वाइट, इसकी बात हम आपके सामने अब करेंगे। तो स्क्रीन पे दिखा दो भाई, बैरन आइलैंड ऑन हुगली एस्टुअरी टर्न्स इनटू अ बाउंटीफुल हैबिटेट। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया एस्टुअरी, इसको डिस्कस करेंगे आगे, पर याद रखिएगा एक बंजर आइलैंड, एक बंजर पारद्वीप, अ बैरन आइलैंड ऑन हुगली हैज नाउ बिकम अ बाउंटीफुल हैबिटेट विच कंटेन्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये हमारी आज की हेडलाइन है, एक बस में आप देख भी सकते हैं गाइस, टिल 1990 द नयाचार आइलैंड इमर्ज्ड The natural island in the middle estuary of the Hooghly River was completely barren with hardly any plant and species, but now it has major varieties of flora and fauna, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने। एनोनिमस सिंह जी, 1000 लाइक पे कुछ नहीं मिलता भैया, पैसे की बात क्यों करते हो, पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो, ये सब क्या बात कर रहे हो। तो बेसिकली ये आपका आइलैंड, दिस आइलैंड नाम इज, इसका नाम है द नयाचार आइलैंड विच हैज़ नाउ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैंने दे दिया है आपको ब्रीफ में, तो दिखा दें इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने गाइस, जहाँ पर आई हैव गिवन यू द ब्रीफ ऑफ दिस आर्टिकल एंड ये रहा द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स। In 1990, the Nayachar Island in the middle estuary of the Hooghly River barren tha, banjar tha. But as per the Zoological Survey of India, that is the ZSI, it has now 151 animal species on the island and it has become a mangrove ecosystem, जहाँ पर कि अब mangrove forest भी पाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गाइस एक word आया estuary. Estuary means where a river meets the sea. Their salt water mixes with fresh water, the river becomes wider and flows slowly to the ocean. तो बेसिकली एस्टुअरी मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर जो नदी है वो मीट करती है सागर से, और द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी मीट्स विद द फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर एंड इट बिकम्स वाइडर एंड स्लोली इट फ्लोज इन टू द ओशन। तो ये हमारी हेडलाइन है। यहाँ पर एक और वर्ड आया गया है कि इट हैज़ बिकम एन मैनग्रोव, इट हैज़ बिकम अ मैनग्रोव इकोसिस्टम, उसका मतलब क्या है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कंजंक्शन विद द नॉन लिविंग पार्ट्स, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर कि हम बताते हैं रिलेशन बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल विथ एनिमल्स, ह्यूमन्स, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एन इकोसिस्टम, जो कि हम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस भी कर रहे हैं। तो एक बार जरा इमेज दिखा भी दो कि इकोसिस्टम आखिरकार होता क्या है, तो दिखा दो नेक्स्ट इमेज गाइज, दिस इज एन इकोसिस्टम जो आप देख सकते हैं गाइज, कि अ सीनरी इन विच यू कैन सी नॉन लिविंग थिंग्स, यू कैन सी लिविंग थिंग्स, देयर रिलेशनशिप इन अ नटशेल इज कॉल्ड एज एन इकोसिस्टम। तो ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो अगेन रिपीट गाइस, नयाचार आइलैंड और नयाचार आइलैंड इज इन द हुगली रिवर नंबर वन, दैट आइलैंड हैज़ नाउ 151 वराइटीज ऑफ एनिमल्स नंबर टू, नंबर थ्री इट इज़ बेसिकली ऑन एन एस्टुअरी, एस्टुअरी इज एन एरिया वेयर द रिवर मीट्स द सी, वेयर द फ्रेश वाटर मीट्स सॉल्ट वाटर। नयाचार आइलैंड स्वाति चौरसिया इज इन वेस्ट बंगाल बिकॉज हुगली रिवर इज इन वेस्ट बंगाल, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। वापस स्क्रीन पर आते हैं गाइस, तो आई होप ये हेडलाइन क्लियर होगी होगा आपको। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर हेडलाइन गाइज, इतना ही पढ़ लेना काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा। मधुलिका सिंह, मैंग्रोव इज अ टाइप ऑफ ट्री, इट्स अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जिनको हम कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, अब आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट हेडलाइन, आई होप दिस हेडलाइन 50% तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये रहा आपके सामने गाइज, ओके, नेक्स्ट हेडलाइन गाइस इज ऑन पेज नंबर 4, ओके, एंड दिस हेडलाइन विल फोकस ऑन द अपकमिंग विंटर ओलंपिक्स इन साउथ कोरिया बिकॉज इट्स आर्च राइवल दैट इज नॉर्थ कोरिया विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस ओलंपिक्स, जो कि आपके सामने यहां पर दिया हुआ है।
सो नॉर्थ कोरिया लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ द अपकमिंग विंटर ओलंपिक्स जो कि होंगे आपके इन साउथ कोरिया इन एक बहुत ही मिसप्रनाउंस वर्ड है इन द प्योंगचांग विंटर ओलंपिक्स इन साउथ कोरिया. तो एक बड़ी खबर आ रही है फ्रॉम द इटर्नल एनिमीज बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. इनका नाम है जो कि यहाँ पर ओलंपिक गेम्स जो हो रहे हैं द विंटर ओलंपिक्स इन प्योंगचांग वहाँ पर दे विल बी पार्टिसिपेशन ऑफ द नॉर्थ कोरियन फिगर स्केटिंग टीम जिसका अनाउंसमेंट किया है चांग उंग ने हु इज़ द नॉर्थ कोरियन IOC मेंबर और नॉर्थ कोरियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी मेंबर. तो उन्होंने ये कहा है गाइस कि नॉर्थ कोरिया विल बी अ पार्ट ऑफ द विंटर ओलंपिक्स. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस. नाउ येस आई एग्री दैट दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज नॉर्थ कोरिया बिकॉज बींग एन एनिमी ऑफ साउथ कोरिया इज पार्टिसिपेटिंग दैट इज अ बिग न्यूज़. बट you have to focus on the Olympics. You have to have an idea about where the next Olympics are taking place. Number one. Number two, what is the venue? Number three, what is the tagline? What is the logo? How many teams are participating? How many sports are there? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद करना है. तो एक बार स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं गाइस इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स ओवर हियर आपके सामने. North Korea will send a figure skating pair to compete at the Pyeongchang Winter Olympic Games in South Korea. Now, Pyeongchang Winter Olympic Games is basically the third Asian city, Pyeongchang, to host the Winter Olympics. इससे पहले जापान में हुए थे द सपोरो विंटर गेम्स एंड द नगानो विंटर गेम्स. उसके बाद इट इज़ द थर्ड सिटी दैट इज Pyeongchang. इट इज़ नॉट Pyongyang, इट इज़ Pyeongchang. यहाँ पर दे विल बी 102 इवेंट्स इंक्लूडिंग 15 स्पोर्ट्स. The mascots of the Winter Olympics are Suhorong, that is a white tiger, and Bandabi, that is an Asiatic black deer. तो इन चीज़ों को एक बार आप देख लीजिएगा. सूरज सोनी अप्रिशिएट करें या ना करें यार, there was a very famous movie called as Munich. In Munich, there was an attack done by the enemies. ऐसा ना कुछ हो जाए. I am literally worried because North Korea is not a stable state. So पता नहीं क्या होगा, but Let's hope for the best. But remember the important points. कहाँ हो रहे हैं विंटर ओलंपिक्स? नंबर वन. नंबर टू, इससे पहले कहाँ हुए थे एशिया में? नंबर थ्री, कितने इवेंट्स हैं, कितने स्पोर्ट्स हैं, एंड वॉट आर द मैस्कॉट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो आई होप ये हेडलाइन आप सबको क्लियर हो गई होगी. एंड अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर. नेक्स्ट हेडलाइन दिखाते हैं आपको कई, एंड ये रहा आपके सामने नेक्स्ट हेडलाइन. अगर आपने शो को लाइक नहीं किया है भैया, लाइक कर दो, अच्छा लगता है यार. नेक्स्ट वी हैव इज ऑन पेज नंबर 9, एंड ये आपके सामने है गाइस. इसको डिस्कस हमने पहले भी किया था. वी हैव अ न्यू टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड स्कीम एंड दैट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय RBI. एक बार इसको दिखा दे पेपर पे, बिकॉज यहाँ पर दो हमारी हेडलाइंस है गाइस. एक तो नया सेविंग्स बॉन्ड स्कीम है RBI का, और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स है. इसको डिस्कस हमने ऑलरेडी किया हुआ था. सो वी हैड टू हेडलाइंस. We had the headline that was a savings bond scheme from RBI, and second we had the electoral bonds. So, आज पहले बात करेंगे about the savings bond, guys. तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें इसी का the Hindu shorts, और ये रहा आपके सामने. Now, अगर हम बात करें about the saving bond scheme, the percentage on this particular bond is 7.75. It has been launched by the RBI. ये शुरुआत होगा from January 10, 2018. जो इसका इशू प्राइस है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 100, बट द मिनिमम प्राइस दैट यू कैन अप्लाई फॉर, उसको दिखाते रहे साथ मेरे को, दैट वुड बी 1000. सिमिलरली इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज कैन पार्टिसिपेट. इट इज़ इशूड इन ऑनलाइन फॉर्म और डीमैट फॉर्म, और इसकी जो मैच्योरिटी है दैट इज 7 years. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है गाइस. अगेन रिपीट, 7.75% सेविंग इस यहाँ पर उसका एक इंटरेस्ट रेट है. कब होगा? फ्रॉम January 10, 2018. इशू प्राइस इसका है वो 100 है, जबकि एप्लीकेशन मिनिमम एप्लीकेशन जो है आपकी वो आपका रहेगा 1000. सिमिलरली यहाँ बात करें, यहाँ पर जो मैच्योरिटी पीरियड है दैट इज 7 years. तो इस बात को समझिएगा कि नया सेविंग बॉन्ड स्कीम क्या है, एंड आई हैव गिविंग यू द डिटेल्स इन अ ब्रीफ. प्लीज़ टू टेक अ स्क्रीनशॉट. अगर नहीं ले पा रहे हैं, आई विल सेंड यू द PDF ऑन आर टेलीग्राम चैनल. एक बार फिर से टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दें हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि आप उसे देख पाएं ऑन आर टेलीग्राम चैनल गाइस. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट इमेज पे गाइस, नेक्स्ट पर्टिकुलर PPT पे गाइस. और ये रही हमारी नेक्स्ट PPT दैट विल फोकस ऑन द न्यू इलेक्टोरल बॉन्ड्स. मैंने अभी आपसे कहा था कि इफ़ यू आर अ सपोर्टर ऑफ BJP, इफ़ यू आर अ सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, ऑफ आम आदमी पार्टी,
पीपल कैन बी सपोर्टर्स भाई, उन्हें कोई गलत भी नहीं है बीजेपी के किसी के भी, एंड यू वॉन्ट योर सपोर्टेड पार्टी टू ग्रो, और यू वॉन्ट योर पार्टी दैट यू वॉन्ट द पार्टी यू सपोर्ट टू ग्रो, आप चाहते हैं कि वो पार्टी ग्रो करे. फॉर दैट नाउ वी हैव इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन विच यू कैन परचेज देम. Those money that you've given for those bonds will be sent to your supported party. That is basically a electoral bond. यहाँ देखते हैं हम guys कि electoral bond जो हैं उन्हें launch कर दिया गया है. ये multiples होंगे 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1,00,00,000 के. जो bank इसको issue करेगा उसका नाम है State Bank of India. This will be issued in the form of a telegram channel. भैया एक बार link share कर दो फिर से comments में, लोग demand कर रहे हैं telegram channel का link. Okay. The bonds have a life of 15 days, 15 दिन की इनकी लाइफ होती है, 15 दिन के अंदर ये मैच्योर हो जाएंगे. डोनेशन आप सिर्फ उन्हीं पार्टीज कर सकते हो, दोज पार्टीज हु आर मैंशन अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट इन 1951. सिर्फ उन्हीं पार्टीज को आप कर सकते हो, दैट इज द 29A सेक्शन ऑफ द RPA एक्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951. ये जो बॉन्ड्स हैं अवेलेबल होंगे आपके फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज. कब कब? जनवरी में, अप्रैल में, एक बार हटा दो इस टिकर को, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में, इन महीनों में आपके अवेलेबल होंगे. डीमैट फॉर्म अनुराग शर्मा मींस ऑनलाइन फॉर्म. तो एक बार भैया ये देख लेना कंटेंट, बिकॉज दीज कंटेंट्स आर ओनली द ब्रीफ. इसको आप देख सकते हैं बिकॉज ये 5-6 कंटेंट्स एग्जाम में आएंगे. सो गाइज, ईदर इट इज द टैक्सेबल सेविंग स्कीम और द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सवाल एग्जाम में आएगा. अब मैं एकदम से गायब हो जाऊंगा तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा. एंड बस मेरे को जरा चाय कॉफी मिल जाए एंड फिर मैं वापस आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा गाइस. सो ये आपके सामने दिया हुआ है 5-6 पॉइंट. थैंक यू सो मच. एंड दीज आर द 5-6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल बॉन्ड. सो आई होप आप सब ये समझ गए होंगे. चलो वापस स्क्रीन पे आते हैं और आप चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज पे गाइस. एंड ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज. यस, नाउ ऑर्कुट हैज a new name and that name guys is the Hello Network. इसकी बात हम आपके सामने करेंगे. Now Orkut has a new name जिसका नाम है Hello. तो Orkut returned to India in a Hello avatar. That is our headline guys. Okay. एंड ये जो हेडलाइन है आप तुम्हें दिखा दो. दी फाउंडर ऑफ Orkut, इनका नाम है, हु वॉज अ टर्किश इंजीनियर, इनका नाम है Orkut Büyükören. अगेन रिपीट, क्या गंदे गंदे नाम है. Orkut Büyükören, he has now launched Hello.com in India. Hello.com is a new advanced version of Orkut that is similar to Facebook, but it has new features. तो जिनके पास Android phone है, they can download Hello and see the difference, guys. Because it has been launched in the beta version, in the tested version in India. इसका नाम है Hello.com और इसके जो फाउंडर हैं वो वही पुराने, इनका नाम है Orkut Büyükören, who was the engineer, who was the founder behind Orkut. So Orkut is back in a new name, that is Hello. अब आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, और वो ये रहा आपके सामने द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स गाइस. Orkut Büyükören, the creator of Orkut.com, is planning to unveil his new social media network, Hello, in India. Orkut jo tha, it was launched in 2004 along with Facebook, but Orkut band ho gaya, Facebook bada ban gaya, but now he is back with a new thing, and that is Hello.com. To ek baar, jarur isko ek baar aap dekhiyega. So with this, we come to an end, I guess, of the headlines, but because it is a Sunday, kyunki ye Sunday hai, so it is a Sunday surprise guys. I have added the MCQs part 2 of the previous week ताकि आप उनके जवाब दे पाएं. So I hope everyone who is watching the show is all ready for the surprise multiple choice questions in our show. तो एक बार लिख दो, yes sir we are ready, yes sir we are ready. जैसे कि टाइगर जिंदा है और कुछ जिंदा है, वैसे MCQs भी फिर से जिंदा हो गए हैं हिंदू शो में. So I hope everyone else now is now ready for the multiple choice questions or for the Hindu quiz. सौरभ नेगी जी, अड्डा के जो CEO, उनका नाम मिस्टर अनिल आगर सर हैं, उनका ही ये पूरा एक विजन है जो कि हम यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं. नाउ लेट शो यू द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज. दैट वॉज द 70th क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस डे. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेन मेमोरी डाइज? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी. इनमें से आंसर आपका क्या है? द आंसर गाइज इज, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज अम्बल वनर शिवनंदन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज.
सिक्योरिटीज ऑन विच पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज डन, इनमें से किन सिक्योरिटीज पर डिविडेंड का पेमेंट होता है, इक्विटी शेयर्स, एनसीडी, प्रिफरेंस शेयर्स या फिर आपका नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी इट इज प्रिफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। QIP stands for, QIP का फुल फॉर्म क्या है? इज इट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? दिखा दें आंसर इसका। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन दैट इट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वॉट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड्स? जो टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड है उन पर कितना इंटरेस्ट है? 7.75 या फिर 8%? कितना इंटरेस्ट रेट है ऑन द टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड? 7.75 है या फिर आपका 8% है? द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज 7.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What shall be the tenure of the taxable savings bond? कितने साल के मैच्योरिटी के होंगे? 6, 7, 8 or 9? इसका आंसर है, द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 7 years। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कोअलिशन सपोर्ट फंड फॉर पाकिस्तान हैड हाउ मच अमाउंट? कितना अमाउंट था इन द कोअलिशन सपोर्ट फंड? 800, 900, 1 billion या फिर 2 billion? द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज 900 million US dollars। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वॉट इज द जी डी पी फोकास्ट फॉर 2017-18 बाय सी एस ओ? कितना फोकास्ट किया है जी डी पी का? 6.5, 7.1, 6.8 or 7%? एंड द आंसर इज इट इज 6.5%, दैट इज एज पर जी डी पी, जो कि इस जो वित्तीय वर्ष है उसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी वी ए का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी? मैं देता हूँ आपको इसके लिए 5 सेकेंड, काफ़ी अच्छा सवाल है। इज इट जी डी पी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज? इज इट ऑप्शन सी, जी डी पी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और इज इट नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज? क्या इसका आंसर होगा? एंड द आंसर इज इट इज जी डी पी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वॉट इज द फोरकास्ट फॉर जी वी? अगर जी डी पी आपकी 6.5% है तो आपका कितना जीवीए है एज पर सीएसओ? दैट इज माय क्वेश्चन गाइस। एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, इट इज आंसर इज 6.1%। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ जीआर फॉर हायर स्टडीज? ये सवाल डिस्कस किया था हमने 2 दिन पहले इन आर हिंदू शो। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर केरला? वॉट इज द आंसर गाइज? द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु, ये इसका सही जवाब है। अगर शो पसंद आ रहा है तो भैया शो को लाइक भी करते जाओ ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको शो बेहद पसंद आ रहा है। तो आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द यूनिटरीज कौन, अगर नंबर वन आपका तमिलनाडु है स्टेट्स में तो यूटीज में नंबर वन कौन सा स्टेट है? द आंसर इज इट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो आपका नंबर वन है इन टर्म्स ऑफ द यूटीज। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। What is the highest peak of Tamil Nadu? तमिल नाडु क्योंकि न्यूज़ में था तो मैं सवाल बना दिया कि तमिलनाडु की जो हाइएस्ट पीक है वो कौन सी है? अनामुड़ी, दोदा बेट्टा, महावत या फिर नन ऑफ दीज? एंड इसका आंसर क्या है? द आंसर इज इट इज दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When shall be the budget session this year start? इस साल जो बजट सेशन है वो कब स्टार्ट होगा? 28th January, 27th January, 29th या फिर 30th? एंड द आंसर इज इट इज द 29th of January। इस दिन आपका स्टार्ट होगा द न्यू बजट सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट, ये क्वेश्चन है स्पेशली फॉर द एसएससी पीपल जिनका अभी एग्जाम है सीएचएसएल का, वहां सवाल बन सकता है। क्या नाम है एक्सपेंडिचर साइड ऑफ बजट के? अप्रोप्रिएशन, इंटरिम, वोट ऑन अकाउंट या फिर कट मोशन? क्या नाम है उस पर्टिकुलर साइड का? अप्रोप्रिएशन है, इंटरिम है, वोट ऑन अकाउंट है या फिर आपका कट मोशन है? द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स शैल हैव द लोगो ऑफ ऑर्गेनिक इंडिया, जैविक इंडिया,
जैविक भारत या फिर जैविक हिंदुस्तान, क्या होगा लोगो अब से इंडिया में ऑन ऑल दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स? इज इट ऑर्गेनिक इंडिया, जैविक इंडिया, जैविक भारत या फिर जैविक हिंदुस्तान? यहाँ जो आंसर है, द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज जैविक भारत, ये होगा लोगो ऑन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। एक सवाल पे आते हैं, FSSAI works under which of the following ministries? Is it Ministry of Health, Ministry of Fertilizers, Ministry of HRD or is it the Ministry, is it none of these? ये सवाल मेरा आपसे यहाँ पर है, कौन सा वो मंत्रालय है जहाँ पर कि ये आपका होगा? And the answer is, it is the Ministry of Health and Family Welfare, जिसके अंदर आपका FSSAI और the Food Safety Standards Authority of India work करता है, जिसके CEO हैं Mr. Pawan Agrawal। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, Which state has launched its state emblem? निम्न में से कौन से स्टेट ने अपना एक स्टेट सिंबल लॉन्च किया है? कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और झारखंड? And the answer is, it is option B, that is West Bengal। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं गाइस, कोलकाता मेट्रो, जो कि न्यूज़ में भी कोलकाता था, तो कोलकाता मेट्रो वो स्टार्टेड इन विच ईयर? 81, 82, 83 या फिर 84? डिस्कस मैंने किया था इसको जब हम डिस्कस किया था अबाउट वेस्ट बंगाल, तो आंसर क्या है इसका? द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज 1984। इस साल आपका लॉन्च हुआ था ऑफ द मेट्रोज। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे गाइस, विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक? ये लेक भैया पेरू में है, क्योंकि मैंने डिस्कस तो किया भी था, तो विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक, दैट इज माय क्वेश्चन गाइस। एंड द आंसर इज इट इज लेक टिटिकाका, इफ आई एम करेक्ट, इन पेरू। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, व्हाट इज द करेंसी ऑफ पेरू? करेंसी क्या है पेरू की? शिलिंग है, पाउंड है, सॉल है, नेसेट है? देखिए पेरू में अभी जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनको हॉस्पिटल निकाला गया है एंड उसको ले काफ़ी इशू बन रहा है, तो इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ पेरू से, क्या है उस करेंसी का नाम? शिलिंग, पाउंड, सॉल या फिर पेरू? दैट इज माई क्वेश्चन गाइस, क्या है इसका आंसर? एंड द आंसर इज इट इज सॉल। अगर आपने शो लाइक नहीं किया भैया लाइक कर दो, इससे अधिक हम मेहनत कोशिश करते हैं, पर वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द क्वेश्चन एंड ऑल्सो द करंट अफेयर्स, तो प्लीज डू लाइक द शो गाइस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 1% इज इक्वल टू हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स? 1% जो है वो कितने बेसिस पॉइंट्स का होता है? दैट इज माई क्वेश्चन गाइज, 1% इज इक्वल टू हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स? एंड द आंसर इज इट इज 100 बेसिस पॉइंट्स। 1% होता है आपका 100 बेसिस पॉइंट्स का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, What is the base year of Sensex? Sensex का base year क्या है? 78, 81, 82 या फिर 83? And the answer is, it is 1978. 1978 है base year आपका Sensex का। Next सवाल पे आते हैं, How many companies are there in Nifty? Nifty में कितनी companies हैं? 50 हैं, 51 हैं, 52 हैं या फिर 53 हैं? कितनी कंपनीज होती हैं आपकी निफ्टी में? देखिए निफ्टी में सवाल मेरा है कितनी कंपनीज इस समय हैं, हाउ मेनी कंपनीज आर देयर राइट नाउ इन निफ्टी? एंड द आंसर इज इट इज 51। वैसे 50 होती हैं पर इस समय उसके पास 51 कंपनीज है। थैंक यू सो मच फॉर द 1000 लाइक गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बिकॉज दैट मीन्स दैट यू आर लविंग द शो एंड आई लव यू ऑल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, In which new color shall the 10 rupee note be released? इनमें से कौन से नए कलर में 10 रुपए का नोट इशू किया जाएगा? ब्लैक, फ्लोरेसेंट, चारकोल ब्लैक या फिर चॉकलेट ब्राउन? उस कलर, वो कौन से कलर में लॉन्च होगा गाइज? द आंसर इज इट इज चॉकलेट ब्राउन। इस कलर में आपका 10 रुपए का नोट लॉन्च होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वॉट इज द मोटिव ऑन रिवर्स ऑफ द न्यू 10 रुपीज नोट? जो 10 रुपए का नोट है उसके रिवर्स में कौन सा मोटिव है? इज इट द इंडिया गेट, इज इट द गेटवे ऑफ इंडिया, इज इट द, फिर से इंडिया गेट आ गया, माफ कीजिएगा, और इज इट द सन टेम्पल? क्या है मोटिव रिवर्स पे नए 10 रुपए के नोट पे? थैंक यू ऑल्सो सो मच फॉर 1200 व्यूअर्स गाइज, अच्छा लगता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब आप आते हैं। एंड द आंसर इज इट इज द सन टेम्पल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, Who is the African player of the year? इनमें से who is the African player of the year? Guys, Marcel, Didier Drogba, Mohamed Salah या फिर none of these? Answer आसान सा है, the answer is it is Mohamed Salah. That is the correct answer of this question. Next सवाल पे आते हैं, Paytm Payments Bank has tied up with which of the following banks? निम्न में से किस बैंक के साथ
पेटीएम पेमेंट बैंक ने टाइप किया है डीसीबी बैंक, आईडीबीआई बैंक, सीबीआई या फिर इंडस इंड बैंक, एंड द आंसर इज इट इज द इंडस इंड बैंक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जल्दी से, हु इज द जॉइंट सेकेंड फास्टेस्ट टू रीच टू 6000 रन, 6000 रन में जॉइंट सेकेंड फास्टेस्ट कौन है? इज स्टीवन स्मिथ, डॉन ब्रैडमैन, विराट कोहली? आंचल मैम का नेक्स्ट शो है तो मुझे घूर रही है बगल से, तो जल्दी आ जाएंगी। स्टीवन स्मिथ, डॉन ब्रैडमैन, विराट कोहली और केन विलियमसन? एंड द आंसर इज इट इज स्टीवन स्मिथ, ही हैज शेयर्ड दिस रिकॉर्ड विद गैरी सोबर्स। ने सवाल पे आते हैं, मोहम्मद सलाह बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, नाइजीरिया से, इजिप्ट से, उगांडा से, मेक्सिको? ये अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर है गाइज, लिवरपूल के स्ट्राइकर हैं। एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन, इट इज आंसर इज इट इज इजिप्ट, इजिप्ट से आपके हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, संगम पीरियड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये स्टेट न्यूज में था, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? एंड इसका आंसर है तमिलनाडु। अब आखिरी सवाल पे, वॉट इज द कैपिटल ऑफ पेरू, पेरू का कैपिटल क्या है? एंड द आंसर इज इट इज लीमा, दैट इज द कैपिटल ऑफ पेरू गाइज। तो विद दिस वी कम टू एन एंड, अब दिखा दो सबसे आखिरी में हमारी मोटिवेशन स्लाइड गाइज, बाकी का समय है नहीं, सो दिस इज द मोटिवेशन स्लाइड गाइज, गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग, इट इज अ वेरी फेमस डायलॉग, अ वेरी फेमस कोट फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, द शॉशैंक रिडेम्पशन। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग विथ मी ऑन अ संडे, द नेक्स्ट शो इज ऑफ आंचल शर्मा मैम, सो लेट्स मीट यू देयर इन दैट शो, एंड पीस आउट।